बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी श्रहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में यूनिट पढ़ेंगे जो ज़मीन से चीज़ें खोद कर निकाली जाती हैं और उनको हमारे डेली यूज में डेली इस्तेमाल में लाया जाता है, बनाकर इस्तेमाल में लाया जाता है। वो हमें ज़मीन से चीज़ें निकलती हैं तो हमें इस्तेमाल में लाया जाता है। आज आप इसी से रिलेटेड एक चैप्टर पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 8, इन्वेस्टिगेटिंग मटेरियल्स, यानी हम चीज़ों की जांच पड़ताल कैसे होती है और उन्हें कैसे बनाया जाता है, हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये स्टोरी है अली और अली के रूम में जो चीज़ें थी उनकी। अली का जो कमरा था वो पूरा भरा हुआ था उसकी मुख्तलिफ चीज़ों से, कलरफुल रंगीन चीज़ों से। मसलन उसमें बुक्स, किताबें भी थी, खिलौने भी थे, शेल्फ्स, फर्नीचर्स वगैरह सब था। अब एक दिन क्या हुआ, जब अली सो रहा था तो तमाम चीज़ें जो थी अली की वो शॉपिंग कर रही थी, यानी कि एक दूसरे को लड़ रही थी, तंग कर रही थी। सबसे पहले प्लास्टिक बोलता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, हमारी तमाम चीज़ें ही मुफीद हैं। अली की जो तमाम चीज़ें हैं वो प्लास्टिक की बनी हुई हैं, जैसे टॉयलेट, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, ये सब प्लास्टिक की बनी हुई हैं जिन्हें अली इस्तेमाल करता है। अभी प्लास्टिक की फैमिली लड़ रही थी और बोल रही थी अपने बारे में कि हम ज़्यादा परफेक्ट हैं। क्या बोल रहे थे, प्लास्टिक फैंटास्टिक, यानी प्लास्टिक बेहतरीन है। अब चम्मच खड़खड़ाते हुए आया और बोला कि डिशेस और क्रॉकरी जिसमें अली खाना खाता है वो सभी मेटल यानी कि धात की बनी हुई होती हैं, जो हमें ज़मीन के अंदर से हासिल होती हैं। ये तमाम चीज़ें ही जो धात की बनी हुई होती हैं जिससे हम खाना पकाते हैं, अपने घरों में यूज़ करते हैं। अभी चम्मच अपने बारे में बता ही रहा था कि खिड़की का शीशा ज़ोर से चीखने लगा, अपने बारे में बताने लगा, ग्लास इज द बेस्ट, यानी शीशा बेहतर है, बेड आर द रेस्ट। जब हम शीशे की रोशनी में सोते हैं तो हमें उसका साया मिलता है। वो बोलता है कि ये बेस्ट है ग्लास सबसे ज़्यादा। बोटल्स, विंडोज, लाइट्स एंड ड्रिंकिंग ग्लासेस, शीशे की बोतलें होती हैं, विंडोज जो शीशे खिड़की के शीशे वगैरह होते हैं, लाइट्स जो हमारे बल्ब होते हैं उसमें वो भी शीशे के बने हुए होते हैं, ड्रिंकिंग ग्लासेस जो हम पानी पीते हैं ग्लासेस वो भी शीशे के बने हुए होते हैं। वो खुशी से अपनी तारीफ कर रहा था। अब ये तारीफ सुनकर फैब्रिक ग्रुप यानी कि जो कपड़ों का खानदान है, जैसे खिड़की के पर्दे वगैरह, अली के कपड़े, ये सब कपड़े फैब्रिक ग्रुप में आ जाते हैं। वो गुस्सा आ गया उसे और उसने बोला कि मैं हमारे लीडर्स यानी कि कॉटेंस, जो पर्दा होना शीशे का पर्दा होता है खिड़की के शीशे में पर्दा जो दिया जाता है, वो लीडर उसे बोल रहा था। वो हमें मुख्तलिफ किस्म के बेनिफिट्स देते हैं, इनके फ़ायदे देते हैं, जैसे हमें साया देते हैं। वी आर, हम सारे ही फैब्रिक ग्रुप हैं, हम सबसे ज़्यादा स्पेशल खास हैं, हमसे अली और दूसरे जो ह्यूमंस होते हैं, इंसान होते हैं, हमसे कपड़े हासिल करते हैं, हमारे हम सबसे बेस्ट हैं। विद अस ड्रेसेस एंड, अब चंदे का जो खानदान था वो बोल रहा है, यानी कि लेदर फैमिली बोल रहा है कि तुम ज़्यादा तेज नहीं हो, हम ज़्यादा तेज हैं, हम ज़्यादा अहमियत रखते हैं, हमसे लेदर से स्कूल के शूज़ बनाए जाते हैं। जैसे अली शूज़ इस्तेमाल करता है वो लेदर के बने हुए हैं, यानी कि चमड़े के बने हुए हैं, जिससे अगर अली नहीं पहनेगा वो तो उसके पाँव क्या होंगे, गंदे हो जाएंगे और उसको चोट भी लग सकती है रास्ते में, तो लेदर सबसे ज़्यादा अहम रखता है। चमड़े का जो ग्रुप है उससे दूसरी भी काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे कोट, चमड़े का कोट भी चमड़े का बना हुआ होता है जिसे हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, जो हमें ठंड से बचाता है, और बेल्ट वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें जो चमड़े से बनती हैं। अब लेदर की फैमिली जो थी वो उसने एक्सप्लेन करके बताया। अब सभी चीज़ें आपस में लड़ने लग गई कि नहीं हम ज़्यादा अहम हैं, वो बोल रहा नहीं हम ज़्यादा अहम हैं, सभी एक दूसरे को अपने आप को अहम बोल रहे थे। इतने में बाहर से खिड़की के शीशे से बाहर से जो दरख्त नजर आ रहा था वो, उसने बोला क्वाइट, सभी खामोश हो जाओ। फिर वो सब के सब खामोश हो गए एकदम से। उन्होंने देखा कि कहाँ से आवाज़ आई, जब उन्हें नजर आया सामने कि प्लांट बोल रहा है, प्लांट क्या बोल रहा है, तुम लोग क्या बोल रहे हो अपनी अहमियत, मैं सबसे ज़्यादा अहम हूँ। मिस्टर पाम ट्री जो होता है वो
करता है कि क्या आप जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो किस तरह से अहमियत रखते हैं? ऑक्सीजन जो हमें जमीन जो हम जमीन को देते हैं ऑक्सीजन, और उसके अलावा हमें हमसे लकड़ी के अलावा हमें सिल्क फाइबर जो अपना धागा होता है वो रबड़ वगैरह ये सब कुछ हमें लकड़ी से हासिल होता है। यहाँ तक कि जो पेपर होता है वो भी लकड़ी से बनता है। सब चीज़ें जो थी वो शाउटिंग कर रही थी, बोल रही थी कि नहीं मैं ज़्यादा अहमियत रखता हूँ, मैं ज़्यादा अहमियत रखता हूँ। इतने में जब सब शोर कर रहे थे और लड़ रहे थे, अली जाग जाता है और फिर सभी अली को देखकर खामोश हो जाती हैं और अली जान जाता है कि क्या मसला है। अली बोलता है कि आप कोई एक दूसरे से ज़्यादा अहमियत नहीं रखता, आप सब एक फैमिली हो, आप सब एक फैमिली हो, तमाम चीज़ें एक साथ ही सवाल करती हैं एक फैमिली। तो अली बताता है कि हाँ आप लोग सभी एक फैमिली हैं, ये ज़मीन जिसे आप सब ही इस ज़मीन को खोद कर ही तमाम चीज़ें निकाली जाती हैं, जैसे ग्लास जो मिट्टी से बनता है, मेटल्स जो जमीन मेटल्स धातें और कोयला वगैरह, यहाँ तक कि जो प्लास्टिक होती है वो भी ज़मीन के अंदर से हासिल होती है। ये ज़मीन में कुछ केमिकल्स होते हैं ज़मीन के अंदर जिससे प्लास्टिक बनती है। अब तमाम चीज़ें जो होती हैं वो खुश हो जाती हैं और तमाम चीज़ें ही अपने आप को सबको अपनी अहमियत का पता चल जाता है कि सब ही अहमियत रखते हैं, सब एक फैमिली की तरह हैं, और सभी खुशी से गुनगुनाने लगती हैं, यानी कि सॉन्ग गाने लगती हैं, वी आर फ्रेंड्स, सभी खुशी से गाने लग जाते हैं। ये एक एक अपना विंडो पेन जो होती है वो ही गाती है और फिर सभी उसके साथ गाना शुरू कर देते हैं। वो लोग बोलते हैं कि अब हम कभी भी नहीं लड़ेंगे, अब हम इकट्ठा हमेशा खुश रहेंगे। इस तरह से स्टूडेंट्स सभी चीज़ें अहमियत रखती हैं जो हमारे डेली यूज़ में इस्तेमाल होती हैं। अब हमारा यूनिट नंबर 8 इन्वेस्टिगेटिंग मटेरियल्स यहाँ पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।